महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप सभी को दीपावली पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। मित्रों, बोल्ड स्काई चैनल के माध्यम से आप लोग अपने घरों में भी इसी तरह से विधिवत पूजा के क्रम को देख सकते हैं, और इस पूजा के क्रम को आप जब देखेंगे, और इस पूजा के क्रम देखने मात्र से ही नहीं, आपको इस पूजा के पूरे सामग्री के साथ में बैठना है और आपको माँ महालक्ष्मी की पूजा करनी है, कुबेर देवता की पूजा करनी है, किस तरह से हमको दीपक प्रज्वलित करना है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। दीपक भी रखा हुआ है, अनेक पूजन की वस्तुएं भी रखी हुई हैं। यजमान परिवार यहाँ पर बैठे, उससे पूर्व मैं आपको बताऊं कि क्या क्या इसमें विशेष पूजन की वस्तुएं आपको एकत्रित करनी है। तो ये देखेंगे, हमने यहाँ पर नवग्रह बना रखे हैं। ये नवग्रह है, सारे ग्रह यहाँ पर विद्यमान है। ये षोडश मातृका है, वास्तु का पूजन भी हम करते हैं, षोडश मातृका का पूजन करते हैं, चतुष्ट योगिनी का पूजन करते हैं, ओम को बना रखा है, श्री गणेश और लक्ष्मी जी की ये जो प्रतिमा है इसको भी हमने स्थापित कर रखी है, कलश को स्थापित कर रखा है। ये जो लाल कपड़े में आप देख रहे हैं, यहाँ पे श्री यंत्र हमने स्थापित करके प्रतिष्ठित करके पहले यहाँ पर रखे हुए हैं, आज हम उन श्री यंत्रों का भी पूजन करेंगे। दीपक हमने बना करके रखा है, अभी पूजन प्रारंभ होने से पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ये एक वेदी हमने बनाई है जिससे हमने ग्रहों को बिठाया हुआ है। अब हम आपको पूजन की सामग्री के विषय में बताते हैं। देखेंगे, हमने मौली रखी हुई है, कपूर है, और भगवती लक्ष्मी को सबसे अत्यधिक प्रिय ये कमल का पुष्प है, ये भी हमने रखा हुआ है। यज्ञोपवीत है, बताशे हैं, धनिया दाना है, कमल गट्टे हैं, सुपारी है, मौली है, लौंग इलायची, पान के पत्ते हैं, फूल है, रोली है, गुड़ भी हमने रखा हुआ है, अक्षत रखे हुए हैं, ये पंचामृत रखा हुआ है, और ये गंगा जल है इसमें, और हमने पुष्प मालाओं को भी रखा हुआ है, जिन पुष्प मालाओं को अभी हम चढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ हमने फल इत्यादि भी रखे हुए हैं, इन फलों के माध्यम से अभी हम भगवती का पूजन करेंगे। तो ये था एक पूजा का क्रम, पूजा की सामग्री। अब हम आपको पूजन प्रारंभ कैसे करना है इस विषय की ओर लेकर के जाते हैं। या कीजे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम धनतेरस के पावन पर्व पर, ये पर्व 5 दिनों का होता है जो धनतेरस से प्रारंभ होता है, इस दिन से लक्ष्मी पूजन का क्रम प्रारंभ हो जाता है। इस प्रतिष्ठान की निरंतर प्रगति हो, माँ लक्ष्मी की इस प्रतिष्ठान के ऊपर कृपा रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ हम सभी लोग भगवती का ध्यान करें। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को धुलेंगे, हस्त प्रक्षाल्य हो, हाथ धुल लीजिएगा। फिर इसके बाद में अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। हम बाहर से तो पवित्र हो जाते हैं, पर हम अंतःकरण के माध्यम से तो भगवान के नाम को लेकर के 3 बार उस जल को हम लोग पीते हैं। ऊपर से जल का छींटा देने का माध्यम है कि अगर हम रास्ते में चल करके भी आए हैं, अशुद्ध हैं या किसी तरह से दोष है, तो वह दोष दूर हो। सबसे पहले हम पृथ्वी का पूजन करते हैं, क्योंकि आधार शक्ति हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे रखिएगा। फिर इसके बाद हम जो यजमान परिवार हैं इनको टीका करेंगे, यहाँ पूजन करते समय टीका की आवश्यकता। इसके बाद में हम रक्षा बांधेंगे, इस तरह से दोनों हाथ करिएगा, और इन दोनों अंगूठों को चलाएंगे तो मछली की आकृति हो जाती है,
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्राश्रमाश्रित मूले तु स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाय स्मृता कुक्षौसागरा सर्पे सप्तदीपा वसुंधरा गंगे च यमुनाय चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश्मिनिम सन्निधम कुरु। गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं सभी आकर के यहाँ पर स्थान ले, ये मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो मंगल मंत्रों का पाठ आप सभी लोग श्रवण करेंगे, हम आपकी मंगल कामना के लिए मंगल मंत्रों का पाठ करेंगे और जिससे आपके जीवन में जितने भी आने वाले कष्ट हैं वह सारे के सारे कष्ट दूर हों। यावानो विदधे कुजगमया अग्निर्जिह्वा मनमा सूर्य चक्षसो विश्वेनो देवा हवशा गमन्निहो भद्रम करणेभ्य श्रोणयामो देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजतराहाय स्थिरैरङ्गै तृष्टुवाग्वं सुस्तनो भिर्वशे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्न सरदो निधीनां त्वा निधिपति गङ्गवामहे वशो मम आहं जानि गर्वद महत्वं जाशि गर्वधम्मो अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशन शशश्वका सुभद्रिकां कांपीलवासनीम। इस उद्देश्य से यहाँ पर पूजन करने जा रहे हैं, इसका हम संकल्प करेंगे कि इस समय इस मुहूर्त में इस तिथि को इस व्यापार की वृद्धि के लिए हम ये पूजन करने जा रहे हैं, तो इसका संकल्प। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अब हम भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। सबसे पहले ओम दधानम सर्वार्थम निज चरण सेवा सुकृति ने दयाधारम शारम निखिल निगमानाम अनुदिनम गजास्वामि स्मरे राख्यम तमीय कलये चित्त निलये। ओम गं गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ही। माता अंबिका का ध्यान करेंगे जो लक्ष्मी का स्वरूप है, जिनकी बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। अगर हम ये पूजन का क्रम कर रहे हैं तो ये भी लक्ष्मी की ही कृपा से हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो भगवती लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। मातु अंबिकाय नमः। अंबिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ही। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। श्री का प्रार्थना करेंगे जो लक्ष्मी का स्वरूप है। श्रीशते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मा इखन्निखाणम् ओं मैखाणा सर्वलोकं मैखाणा ओं श्रियै नमः। अब इसके बाद में ये चतुष्षष्टि योगिनी 64 योगिनियाँ होती हैं, ये भी हमारे पूरे इधर उधर ही रहती हैं, इनसे भी प्रार्थना करते हैं कि योगिनी हमारे ऊपर कृपा करें। हरि ओम चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। जब हम पूजा करते हैं तो उसमें वास्तु का पूजन करते हैं। हमारे घर का यदि किसी प्रकार से कोई वास्तु या यहाँ का कोई वास्तु खराब है तो अच्छा हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए। ओम वास्तोत्पते प्रतिजान हश्मान स्वावेशो वनिमीमो भवान यत्वे महे प्रतितन्नो जुखशन्नो भवदिपदे संचतुष्पदे ओम वास्तु पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम पाद्योपाद्यम हस्त्योर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्वीष्णानीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र शरीर गीला हुआ तो हमने वस्त्रों को धारण करना है, तो उसी क्रम में यह वस्त्र भगवान के पास में आप समर्पित करिएगा। शपत्नी श्रेयां भवति जाहिमानः तंधीरा साकमयोन्नयन्ति कलश के ऊपर साध्यो मनसः देवयन्तः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि वस्त्रानान्ते। हरि ओम ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षग्वं शीष्णोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः त्वदीयं वस्तु गोविन्दः तुभ्यमेव समर्पये
ग्रहाण सुमुखो भूत्वः प्रसीद परमेश्वरः शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीण हितानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिग्रह्यतां मुहो नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्ते जलम् आत्मनीयं समर्पयामि त्वदीयं वस्तु गोविन्दः तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः नैवेद्यानन्ते जलम् आत्मनीयं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये पानीयम् अन्ते आत्मनीयम् उत्तरा पोषणम् जलम् समर्पयामि ऋतुफलम् समर्पयामि ऋतुफलान्ते पुंगी फलबीटिकाम् समर्पयामि पुंगी फलबीटिकानान्ते द्रव्यदक्षिणाम् समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदा धार प्रथविं ध्यामुतैमां कस्मै देवाय हविखा विधेमो द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। इस पूजा में कोई कमी रह गई हो, मेरे मंत्रों में कोई कमी रह गई हो, आपकी भावना में भी कोई कमी रह गई हो, या और बहुत सी चीजें हैं किसी में कोई कमी रह गई हो, तो हम तो आपके पुत्र हैं और आप मेरे माता पिता हो, तो पुत्र से यदि कोई गलती हो जाती है तो माता पिता उसकी गलती को क्षमा कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यदि मेरे से कोई पूजा में गलती हो गई हो तो उस पूजा की गलती को आप क्षमा कर देना और मेरी पूजा को आप स्वीकार करना। ऐसी मंगल कामना के साथ भगवान से प्रार्थना करें। आचा सत्यमती मही पशूनाम रूप मन्यस्य मैत्री श्रयताम यतः कर्दमेन प्रजा भूता मही शंभो कर्दमाश्रियं भाषय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपासुजन तिस्क्लिद्धां चिकरी तपस मे ग्रहे नीच देवी मातरं श्रियं भाषय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं। बड़े भाव से करेंगे और यही मंगल कामना करेंगे कि हमारे व्यापार को सदैव प्रगति करें और हमको स्वस्थ रखें और हमारा मन सदैव इसी तरह आपके चरणों में लगा रहे, माता पिता की सेवा करता रहूं और आपकी कृपा प्राप्त होती रहे। आरती के बाद में जो भी कमियां रह गई हूँ आप उन कमियों को दूर करें और हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय देवताओं के जो देवता हैं आप, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गौरी के पुत्र हैं गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसे में भगवान गणेश को प्रार्थना करता हूँ और भगवती लक्ष्मी से ये प्रार्थना करेंगे कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि, या विष्णु की पत्नी है तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, ऐसी माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर सदैव कृपा करती रहें और हम इसी तरह से आपके चरणों में मन को लगाए रखें और इसी क्रम में हमारा व्यापार भी प्रगति को करता रहे। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे ये दिन पे दिन इसी तरह से वृद्धि को प्राप्त होती रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे, आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इस तरह से हम लोगों ने आज धनतेरस के पावन पर्व पर जो 5 दिन का ये पर्व है माँ महालक्ष्मी का दीपावली का पूजन यहाँ पर संपन्न किया। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।